हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हम अगली वीडियो में। आज हम करेंगे रेंज टेस्ट चेतक का। 100% चार्ज करके रखा है मैंने, ये देख लो आप 100%, और रेंज अभी दिखा रहा है 61। ये रेंज को अभी आप भूल जाओ। तो मैं आपको हर 10-10 किलोमीटर्स बाद इसके अपडेट देता रहूँगा। तो देखते हैं आज ये कितना चलती है। तो मिलते हैं 10 किलोमीटर्स के बाद। मैं इसको बीच में स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाऊंगा, नॉर्मल पे भी चलाऊंगा, आपको सब डिटेल्स बता दूंगा मैं जैसे भी होगा। तो चलिए 10 किलोमीटर्स के बाद मिलते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी आ गया हूँ 6.6 किलोमीटर्स, और अभी रेंज दिखा रहा है 58 किलोमीटर्स की। जब हमने स्टार्ट किया था तब 61 दिखा रहा था और अभी 58 दिखा रहा है। ये रेंज एक्चुअली कम इसलिए दिखा रहा था क्योंकि इससे पहले मैं स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चला रहा था, तो स्पोर्ट्स मोड पे और बहुत तेज़ भगा रहा था, तो वो उस अकॉर्डिंग पहले की रेंज दिखा रहा था। और अभी इसने वही रेंज शो करी थी स्पोर्ट्स मोड के अकॉर्डिंग, जो बहुत तेज़ मैं 50 के ऊपर की स्पीड पे चला रहा था नॉन स्टॉप, तो इसलिए इतनी कम रेंज दिखा रहा है ये। तो गाइस देखो, हमारा 10 किलोमीटर पूरा हो चुका है और अभी रेंज दिखा रहा है 55 किलोमीटर्स, और बैटरी परसेंटेज है एग्जैक्ट 90%। ये देखो टोटल हो गया ये 10 किलोमीटर्स, ये हो गया 90% बैटरी परसेंटेज। ठीक है, तो मैं इस स्कूटर को बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं वैसे ही चला रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा सोच के नहीं चला रहा कि भैया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है या कुछ भी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ इसको, 40-50 के बीच में। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी रोड पे हूँ और इसके बाद मैं ऊपर हाईवे पे चढ़ जाऊँगा। नेक्स्ट के 10 किलोमीटर्स अपने पूरे हाईवे पे रहेंगे और स्पीड रहेगी 50+ हर टाइम। अभी देखिए मैं 40-50 की स्पीड पे हूँ अभी भी, और अभी हाईवे पे जाके स्पीड रहेगी हमेशा हमारी 50+। तो देखते हैं, मिलते हैं 20 किलोमीटर्स पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं 19.7 किलोमीटर्स, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और ये पिछले 9 किलोमीटर जो मैं चला हूँ मेरी स्पीड रही है 50-55 और 60 के बीच में। 60 से ऊपर नहीं गया हूँ अभी मैं। अभी नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर्स होंगे वो हम 60 से ऊपर भी जाएंगे, पर अभी मैं 60 से नीचे ही रखा। ये देखिए, ये आपके सामने अभी 20 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे और ये 20 किलोमीटर्स पूरे हो गए। तो अभी हम बैटरी चेक करते हैं। बैटरी है इसकी 78%, आप देख सकते हो, और रेंज हमें दिखा रहा है 52%। ये रेंज को आप भूल जाओ, लोग रियल टाइम टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया 20.1 किलोमीटर और ये रेंज अपनी बैटरी परसेंटेज है 78%। तो देखते हैं अभी और कितना साथ देती है, चलते हैं आगे, मिलता हूँ आपसे 30 किलोमीटर में। तो गाइस देखो, अपनी बैटरी परसेंटेज रह गई है 70%, और मैं आपको दिखाता हूँ, और हमने किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं 26.4 और 70% बैटरी है। रास्ते में मैं थोड़ा रुक गया था, मुझे एक ड्राइव का चार्जर मिला, तो मैं जस्ट देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं चार्ज नहीं करूँगा पर मैं जस्ट देखने के लिए इधर रुका हूँ कि ये चार्जर वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं। ये पूरा वर्किंग कंडीशन में है, और ये आप देख सकते हो लोकेशन जहाँ मैं रुका हूँ अभी। और ये मेरे साथ मैकडॉनल्ड्स है, तो यहाँ मैं कुछ खाऊंगा उसके बाद वापस निकलते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस हमने कर लिया ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, 29.2 किलोमीटर्स, और जैसे कि ये वाले 10 किलोमीटर से मैंने आपको बताया बीच में 60 की स्पीड भी थी, और फिर उसके बाद स्पीड कम भी हुई क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक था तो मुझे स्पीड कम करनी पड़ी। तो अभी हमारे 29.2 किलोमीटर्स हो चुके हैं, फोकस हो जा, हाँ हो गया, और
अभी बैटरी परसेंटेज बची है 67%, तो और रेंज दिखा रहा है 53 किलोमीटर्स। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तब रेंज हमें दिखा रहा था 61 किलोमीटर्स, अभी हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स चल रहे हैं और अभी भी रेंज हमारी है 53 किलोमीटर्स। तो देखते हैं आज इसको ज़ीरो करके छोड़ेंगे हम, कहाँ जाके रुकती है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले 10 किलोमीटर्स के बाद। ठीक है, अभी रिस्क नहीं लूँगा मैं, अभी 1% बैटरी देख सकते हो आप, 2 किलोमीटर्स की रेंज और टोटल ट्रिप हुआ हमारा 76.1 किलोमीटर्स। बस अभी रिस्क नहीं लूँगा, अब मैं इसको घर पे जाके चार्ज पे लगा दूँगा और फिर हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन पार्ट मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, कल मैं इसको शूट नहीं कर पाया, बहुत तेज़ फीवर हो गया था और आज भी मैं अपनी वर्क प्लेस पर नहीं जा पाया, शायद ज़्यादा ही ठंड में चेतक चला लिया मैंने, पर कोई बात नहीं। तो ऐसा था कि कल जब मैं घर पहुंचा तो मेरी चेतक चल गई थी 78.6 किलोमीटर्स। तो उस चीज़ को मैं शूट नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी, वो क्लिक नहीं कर पाया। तो 78.6 किलोमीटर्स में ये मुझे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा था ज़ीरो और डिस्प्ले पे रेंज अभी भी शो हो रही थी मुझे 1 किलोमीटर की। तो अगर हम वो 1 किलोमीटर इसमें ऐड कर दें तो इसने हमें रेंज दी करीब करीब 79.5 किलोमीटर्स टोटल। ठीक है, तो मैं आपको अभी क्या सजेस्ट करूँगा कि देखो, अगर आपका डेली रन 70 किलोमीटर्स के आसपास का है, 70-75 के आसपास का है, फिर तो आप ये स्कूटर को कंसीडर करने का सोच सकते हो, क्योंकि आप किसी कांस्टेंट स्पीड पे तो चलाओगे नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहेगा हाईवे पे। तो अगर यही रेंज आपको मिलती है तो आगे जाके बैटरी डिग्रेड भी होगी, जैसे फ़ोन की बैटरी डिग्रेड होती है कुछ टाइम में, तो ये भी वैसे ही नॉर्मली बैटरी डिग्रेड होगी ऑब्वियसली, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको सिटी राइड के लिए स्कूटर चाहिए, लाइक सिटी में आपका ज़्यादा लंबा रन नहीं होता है, तो फिर तो ये स्कूटर आप कंसिडर कर सकते हो। और एक पॉइंट और है कि ये स्कूटर मैंने अपने 80 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट के ट्रिप में स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ किया, करीब 10 किलोमीटर्स तक स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया और मैंने 3 बार इसको टॉप स्पीड टच किया 69 किलोमीटर्स की, क्योंकि मुझे देखना था कि कंपनी क्लेम करती है 73 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड और मुझे मिल रही थी 69 की। तो मैंने इसको 3 बार टेस्ट किया पर हर बार मुझे 69 की स्पीड ही मिली। तो आई गेस अगर आप इसको थोड़ा कम स्पीड पे थोड़ा और प्यार से चलाओगे तो इसकी रेंज 80 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 90 तक की दे देगा आई गेस ये, बट फिर भी बाकी स्कूटर्स के मुकाबले रेंज थोड़ी कम तो है, बट और चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आपको सिटी के लिए स्कूटर चाहिए, विद इन सिटी आपको चलाना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी सारे के सारे रिजल्ट्स आपने देख लिए तो अभी चॉइस आपकी है। मैं चलो मिलता हूँ अभी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से कुछ भी तो। ओके, बाय।